शारदा सिन्हा का एक न्यू अपडेट आ गया जो कि TRP बढ़ाने के लिए बोल रहा है। सब निधन हो गया शारदा सिन्हा का, ऐसा कोई बात नहीं है, जो कि इसके बेटे ने एक न्यू अपडेट हाल ही जारी किया। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो रियल है। आप लोग TRP बढ़ाने के लिए ऐसा मत खबर फैलाइएगा, और ये देखिए वीडियो पूरा एंड तक। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि गलत खबर आ रही है। अभी शारदा जी वेंटिलेशन पर हैं, मेरी मुलाकात हुई है, और वो अभी फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं। अभी उनके वाइटल्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, डर ज़रूर बना हुआ है, पर वो हैं। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने माँ का हालचाल लिया, मुझसे बात की, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की, और उन्होंने मुझसे पूछा कि शारदा जी कैसी हैं। मैंने उनको सारी जानकारी दी, और फिर उन्होंने कहा कि छठी मैया कृपा करेंगी, परमेश्वर कृपा करेंगे, आप अपना संयम बना के रखें और सब अच्छा होगा। उन्होंने मुझे हौसला दिया, बहुत खुशी हुई, और यही बात है कि मैं माँ के पास में जब जाके खड़ा था, वो तो अनकॉन्शियस हैं अभी, पर मैंने कल रात मैंने आँख बंद देखी थी तो थोड़ा घबराया हुआ था। अभी आँख थोड़ी खुली हुई थी, और जो आँखों की जो पुतली होती है, तो मैं क्या करता, मैं तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मैं इनसे बात करूँगा तो ये सुनेंगी, कि लगता है देख करके कि कहीं उठ जाएंगी अचानक से, तो लगता ही है मुझे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल अपनी बात करें, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था, मम्मी आप उठ रही हैं, सुन रही हैं, ऐसे कई बार मैंने बोला मम्मी मम्मी, थोड़ा सा उनको दूर से जोर से बोल के देखा, तो आपके बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, सभी लोग आपके लिए पूजा कर रहे हैं, मम्मी आप सुन रही हैं, आप ठीक हो जाइएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हर कोई आपको चाहता है। तो उनकी आँख की पुतली एकदम ज़रा सा, एक चावल के दाने मात्र हल्का सा मैंने मूव करते हुए देखा, जिससे मुझे आशा बंधी कि वो लड़ रहे हैं अंदर से। तो आप सब भी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ रहिए, गलत न्यूज़ को बिल्कुल मत देखिए। ये गलत न्यूज़ फैलाने वालों की थोड़ी आदत होती है, जैसे आनंद आता है उन्हें इस काम को करने में। कुछ लोग हैं मेरी जानकारी में भी विशेषकर, जिनको गलत न्यूज़ डालने में बड़ा आनंद आता है। कल मैंने उनकी क्लास भी लगाई, अच्छे नामी गिरामी लोग हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं, नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, लफड़ा हो जाएगा उससे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक कि आप कंफर्म ना कर लें तब तक कोई भी बात, खास करके जब मैं हूँ अवेलेबल बताने के लिए या माँ का ये पोस्ट है तो उसको देख के बोलना चाहिए। अभी हैं माँ, अच्छी अच्छी एनर्जी भेजिए, आप सब दुआएं भेजिए, अच्छा सोचने से अच्छी एनर्जी जाती है उन तक। एम्स के डायरेक्टर MS श्रीनिवासन जी, उन्होंने मुझे आके समझाया कि एक बात याद रखिएगा कि वो अनकॉन्शियस ज़रूर हैं, पर आपका प्रेजेंस, आप उनके बैक में रह के क्या सोचते हैं, आप उन्हें जब देखते हैं आप किस विचारधारा में हैं, ये सब पेशेंट को अफेक्ट करता है। ये मेडिकल साइंस से प्रूव किया गया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप इस बात को अगर अभी आप जान रहे हैं तो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति ये डाल रहे हैं कि उनका निधन हो गया है और अब वो नहीं रही हैं, या तो वो उनकी इच्छा होगी कि ऐसा हो जाए तभी वो लिख रहे हैं, नहीं तो फिर अगर जानकारी की कमी में कर रहे हैं तो आग्रह है कि प्लीज़ अपने आप को सुधारिए। ये वक्त नेगेटिव न्यूज़ फैलाने का नहीं है। जब निधन की खबर आएगी तो वो पक्की होगी और पूरी दुनिया में फैलेगी, और वो गलत नहीं हो सकती, उसको गलत बनाने का एक चलन चल गया है। अब हैं वो जिंदगी और मौत से इस वक्त लड़ रही हैं, इस वक्त भी TRP और अपना वो व्यूज़ बढ़ाने का काम नहीं करना है। अभी थोड़ा सा वक्त है नाजुक, प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कीजिए। छठ का वक्त है, नहाए खाए का दिन है, आज हम सब माँ के गाने सुन सुन के अपना पर्व मनाते थे, ये ठानिए कि इस पर्व में हर हाथ हर छठ। शारदा सिन्हा का न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हम सच में आपको वीडियो रियल का दिखाएंगे भाई, फेक नहीं दिखाएंगे।